सिक्स फॉर जस्टिस नाम के आतंकी संगठन का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये कनाडा में छिपने वाले ज्यादातर गैंगस्टर को मदद पहुंचाता है। इस मदद के एवज में गैंगस्टर से ये ISI की आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन पाकिस्तानी पिट्ठू का ये पूरा कच्चा चिट्ठा। खुलेआम तलवारें लहराने वाला गिरोह, भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने वाला हुजूम और भारत को गीदड़ धमकी देने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू। कनाडा के कोने कोने में इत्मीनान से रह रहे हैं ऐसे खालिस्तानी या आतंकी बड़े खतरे की धमकियां दे रहे हैं। एक मुश्त वोट की खातिर ट्रूडो हुकूमत इन्हें चौपाइयों की तरह छुट्टा घूमने देती है, लेकिन आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसकी टेरर टोली से भारत ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। साथ ही कनाडा में भारतीय दूतावास के सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास भी जस्टिन ट्रूडो को करा दिया गया है। अभी जो माहौल है ये ऐसा माहौल है जहाँ हमारे राज दूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट जो हैं वहाँ, वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर बने हो रहा है। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जो जब ये साफ दिखाई देता है कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय। पन्नू और उसकी आतंकी पलटन में भारत के भगोड़े गैंगस्टर्स का बड़ा हुजूम जुड़ा हुआ है, जिन गैंगस्टर्स के दम पर खालिस्तानी आतंकी सरगना भारत को धमकी दे रहा है उनके अब नाम भी जान लीजिए। गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, अड्डा कनाडा। गैंगस्टर गुरविंदर सिंह, अड्डा कनाडा। गैंगस्टर सतवीर सिंह, अड्डा कनाडा। गैंगस्टर सनवर ढिल्लन, अड्डा कनाडा। गुरप्रिंदर सिंह, अड्डा कनाडा। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, अड्डा कनाडा। सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम, अड्डा कनाडा। चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहला, अड्डा कनाडा। रामदीप सिंह उर्फ रमन जज, अड्डा कनाडा। भारत में संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले इन गैंगस्टर ने कनाडा में लंबे अरसे से डेरा जमा रखा है। टेरर लैंड बन चुके कनाडा से ये सभी इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनको सब प्रोटेक्शन भी दे रही है, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है और उनके इशारे पे फिर यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज और ड्रग्स वगैरह, फायर आर्म्स वगैरह ला रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर भी ला रहे हैं। अब जैसा जो क्राइम सिंडिकेट्स का जो मॉडल बन गया है उसमें इन्होंने एक दो लोग अपने हर गैंग ने फॉरेन में भेज दिए जो वर्चुअल नंबर्स के थ्रू जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, जैसे बुकीज हो गए, बिजनेसमैन जिनके थोड़े उस तरह के धंधे हैं उनको ये टारगेट करते हैं और फिर जो कॉपरेट इनके हिसाब से जो कॉपरेट नहीं करता, जो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता इनके, उसके ऊपर ये डराने धमकाने के लिए शूटिंग करा लेते हैं, फायरिंग करा लेते हैं। एक अहम बात ये कि तमाम गैंगस्टर्स पन्नू के संपर्क में कैसे आ जाते हैं, तो उसकी वजह है ये। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का संगठन सिख फॉर जस्टिस तमाम गैंगस्टर्स को फुल सपोर्ट करता है। पन्नू के सपोर्ट से ये गैंगस्टर ड्रग्स, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेक्सस को चलाते हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की भरमार है। ये खालिस्तानी आतंकी भारत के भगोड़े गैंगस्टर्स को फंडिंग करते हैं। भारत विरोधी और आतंकी साजिशों को अंजाम देने के एवज में इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार और मुंह मांगी रकम भी मिलती है। हालांकि ISI के पालतू खालिस्तानी आतंकी आकाओं का अंत भी कनाडा के गैंगस्टर्स की तरह हो रहा है।
इसी साल मई के महीने में परमजीत सिंह पंजवड़ को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से रह रहा था। उसे लाहौर में जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर शार्प शूटरों ने छलनी कर दिया था। पाकिस्तान में खालिस्तानियों के खात्मे के खतरे को देखते हुए आईएसआई कनाडा में एक्टिव गैंगस्टर्स को साधने में लगी है। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले दो खालिस्तानी आतंकी आका ऐसे हैं जिनके तार सिख फॉर जस्टिस से सीधे जुड़े हैं और इनकी डिटेल्स दंग कर देने वाली है।